किसान भाइयों नमस्कार, मैं सत्यवीर सिंह सत्या नेचुरल्स पलवल हरियाणा से। आज हम आए हैं राजपाल सिंह जी के खेत पे। राजपाल सिंह जी का जो गांव है वो सुल्तानपुर है और ये अमरोहा तहसील और डिस्ट्रिक्ट अमरोहा लगता है। तो आज हम यहां पे हैं अभी अमरोहा में और उन्होंने एक एकड़ में पपीता की खेती करनी है राजपाल सिंह जी को। उन्होंने हमारा वीडियो देखा, उन्हें पसंद आया है तो उन्होंने उस तरह से वो हमें बुलाया है। तो हम वैसे तो कल ही आ गए थे यहाँ पर बाई चांस, पर उन्होंने बड़ा अच्छा हेल्प करी है हमारी, तो रात में भी यहीं थे उनके साथ ही और अभी सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर रहे हैं आज की तारीख में। तो परमात्मा की कृपा से उन पर सब कुछ, उनका परमात्मा का आशीर्वाद है उनको अपना। इसके अलावा भी उन्होंने काम कर रखे हैं कुछ चक्की वगैरह का, जैसे अपना मिल वगैरह है उनका, और काफ़ी मतलब जो हमारी जैविक खेती है उसका भी काफ़ी ज्ञान है उनको। जैविक खेती मतलब जैसे ये ट्राइकोडर्मा हम यूज़ करते हैं या हमारा वेस्ट डिकम्पोजर हम यूज़ करते हैं, जीवामृत यूज़ करते हैं, तो वो नेचुरल तरीके से ही पहले से ही काफ़ी काम कर रहे हैं। जो हम कराते हैं उससे पहले ही वो काफ़ी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ साथ में राजपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। राजपाल सिंह जी ने हमें बुलाया है, वो बुजुर्ग हैं वैसे तो काफ़ी, नाम तो हमें लेना नहीं चाहिए उनका, बट थोड़ा सा आए हैं आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है इसलिए हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। और राजपाल सिंह जी बड़े भले मानुष हैं, इस एरिया में काफ़ी सोशल वर्क भी वो अपना है उनका, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी दो शब्द हमारे बारे में कहें। राजपाल सिंह जी। हाँ किसान भाइयों, हमने यूट्यूब पर सतवीर सिंह की वीडियो देखी थी पपीते की खेती के बारे में, और गन्ने से हटकर कुछ हमने भी करने के लिए सोचा और भाई साहब को हमने यहाँ बुलाया, ये हमारी मदद के लिए आए हैं, धन्यवाद, बड़ा आभारी हैं हम यहाँ लोगों के। जी जी, तो जो हमें बताना था वो हमने खेत पे जाके आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी है। घर पे भी हम काफ़ी देर उनको जो गोबर की खाद को कंपोस्ट करना है, फंगस मल्टीप्लाई करना है, दवाई बनाना है, वो सब हमने बता दिया है उनको। काफ़ी जानकारी तो उनको पहले से ही है, बाकी अब और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज भी दे रहे हैं कि किसी भाई को कोई हेल्प चाहिए आगे, जैसे अब वो पपीता लगाएंगे तो कुछ जानकारी उनको दे दी है, आगे का जब तक लगेगा उसके बाद भी जैसे हम एक बार आएंगे लगाते टाइम भी और आगे की जानकारी उनको उस टाइम भी देते रहेंगे आगे तक भी। तो किसान भाई जो भी सुन रहे हों इस वीडियो को या देख रहे हों आसपास के लोग, तो जानकारी वो उनसे खेत पे आके उनसे भी ले सकते हैं, राजपाल जी से भी। ये सुल्तानपुर गांव है, ये आपका दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, सुल्तानपुर गांव है। और एग्जैक्टली इस जगह पर सुल्तानपुर आसपास कौन सा गांव लगता है ताकि पहुँचने के किसी को ये ना हो दिक्कत? हाजरपुर ननेड़ा। ननेड़ा, ननेड़ा के पास। ओके ओके, ननेड़ा के पास में ये गाँव लगता है सुल्तानपुर। तो कोई भाई उनसे मिलना चाहे, आना चाहे, देखना चाहे, या हमसे किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और उनसे आके आप मिल सकते हैं, और कोई जानकारी लेनी हो तो उनसे आके आप ले सकते हैं। तो सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें डाल दूंगा, किसी को कोई हेल्प चाहिए आसपास के लोग तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजपाल जी ने हमें बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।